तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चलिए आपको जयपुर से सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। लेकिन बहुत सारे प्रदेश देश में ऐसे भी हैं जिनको अभी गति को बढ़ाने की भी आवश्यकता है। उनकी चुनौतियां और विषमताएं उनके लिए हो सकती हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह का अवसर अभी प्रदेशों के पास में है, उस अवसर का उपयोग करते हुए वो प्रदेश और गति से काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपने काम को गति प्रदान कर सकते हैं। इसी अपेक्षा के साथ में मिशन के प्रारंभ होने से पहले से, प्रधानमंत्री जी की घोषणा और मिशन की गाइडलाइन प्रारंभ करने के पहले से ही हमने यह तय किया कि हम रीजनल कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन करें, स्टेट्स में जाएं, उनके साथ में बैठें, उनकी धरातल की परिस्थितियों को समझें, उनकी चुनौतियों को समझ करके गाइडलाइंस को इंप्रूव करें और निरंतर जो है एक दूसरे से संवाद करते हुए काम को अधिक गति प्रदान कर सकें। इसी क्रम में हमने पिछले वर्षों में निरंतर इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज अलग अलग स्थानों पर रीजनल कॉन्फ्रेंसेज आयोजित की। अब क्योंकि हम लगभग मिड टर्म में पहुंच गए, 2019 के अंत से प्रारंभ हुआ हुआ काम आज 2022 में हम पहुंचे और 2024 तक इसे संपूर्ण तक लेकर जाना है, तो इस मिड टर्म पर एक बार रिव्यू हो, राज्यों के साथ में बातचीत हो। हालांकि बातचीत का एक क्रम निरंतर चलता है, सचिवों के स्तर पर, मंत्री के स्तर पर, इंडिविजुअल स्टेट को हम रिव्यू करते हैं, वो हर हम मंथली प्रोग्राम है वो मंथली करते हैं, लेकिन साल में 6 महीने में एक बार, कम से कम एक बार हम सब स्टेट साथ बैठ करके जो है एक क्षेत्र के स्टेट साथ बैठ करके चर्चा करें। इस क्रम में देश भर में मिड टर्म रिव्यू की कॉन्फ्रेंसेज हो रही है। हमने हमने असम में गुवाहाटी से इस क्रम को प्रारंभ किया था, हमने वेस्ट बंगाल में किया, सदर्न स्टेट्स को वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में बुलाया था, हमने जो है बेंगलुरु में एक कॉन्फ्रेंस की, वहां पे हमने जो है स्टेट्स को बुलाया था, हमने उनके साथ में चर्चा की थी। इसी क्रम में आज हम जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड गोवा, दमन दीव, इन हरियाणा, इन सब प्रदेशों के साथ में, इन सब केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में आज हमने यहाँ बैठ के चर्चा की है। हमने उनकी समस्याओं को भी समझा, उनकी चुनौतियों को भी समझा और इस काम को कैसे गति प्रदान की जा सकती है इसके बारे में विस्तृत विचार विमर्श अभी किया है। कुछ प्रदेशों में अभी काम की, निश्चित रूप से काम को और अधिक तेजी प्रदान करने की आवश्यकता है, राजस्थान भी उनमें से एक है। हमने राजस्थान की टीम के साथ में भी इस काम को हम कैसे फ्यूलअप कर सकते हैं और तेज कर सकते हैं इसके बारे में विचार विमर्श किया है। और मैं ये विश्वास के साथ में कह सकता हूँ क्योंकि जब कभी भी इस तरह के हमने कॉन्फ्रेंसेस आयोजित करते हैं तो इस प्रोग्राम को एक बूस्ट मिलता है, एक थ्रस्ट मिलता है, तो निश्चित ही इस प्रोग्राम को एक इसके माध्यम से थ्रस्ट मिलेगा। दूसरा विषय जो आज की कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ था वो स्वच्छ भारत मिशन। हम जानते हैं 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता की घोषणा की थी, सैनिटेशन मिशन घोषित किया था, तब देश में केवल 32% घरों तक ही शौचालय बने हुए थे, शेष घरों की माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ में समझौता करना होता था। उनके दर्द को, जो गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, जिन्होंने गरीबी देखी है, वो निश्चित रूप से उस दर्द को समझ सकते हैं। अत्यंत प्रसन्नता है कि 2014 से लेकर के 2019 तक पूरे देश ने साथ जुट करके जिस तरह से एक जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करते हुए स्वच्छता के मिशन में काम किया, 2019 में देश ने अपने आप को माननीय प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से ओपन डेफिकेशन फ्री ऐसा घोषित करवाया। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी उस दिन स्पीच में उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए लक्ष्य नहीं, मैं उस विभाग का मंत्री होने के नाते जिम्मेदारी से स्वीकार करता हूं, बहुत प्रसन्न थे उस दिन कि हमने आज एक लक्ष्य हासिल कर लिया। उन्होंने कहा यह लक्ष्य नहीं था, एक पायदान मात्र था, हमें इससे आगे बढ़कर के कंप्लीट सैनिटेशन की तरफ जाना है और हम कंप्लीट सैनिटेशन की तरफ, जब मैं कंप्लीट सैनिटेशन की बात करता हूँ, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, फीकल स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो गांव के हमने शौचालय बनाए हैं उसके जो सेप्टिक टैंक्स हैं वो भर जाएंगे, उनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इन सब की व्यवस्थाएं गांव में हो और गांव में ओवरऑल जो है एक विजुअल क्लीनिनेस का फैक्टर आए, दिखने में स्वच्छता दिखे, इस दिशा में हम काम करें। हमने राज्यों को साल के टारगेट्स दिए, उस टारगेट्स के आधार पर हमने राज्यों से गति के साथ में काम करने का जो है आग्रह किया। हमने आज समीक्षा की है, हमने 3 तरह की स्टेटस उसमें देखी, एक एस्पायर।